हाय दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन प्रतिष्ठान पर। आज हम लोग जानेंगे वैद्युतिक पदार्थ के प्रकार। अर्थात टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल। यानी कि वैसा पदार्थ जो वैद्युतिक कार्यों में उपयोग में लाया जाता हो उसे हम वैद्युतिक पदार्थ कहते हैं। तो इसके आइए हम लोग प्रकार के बारे में जानते हैं। इसके जो मुख्य प्रकार होते हैं वो तीन होते हैं। पहला होता है चालक यानी कि कंडक्टर, दूसरा होता है अचालक यानी कि इंसुलेटर, और तीसरा होता है अर्धचालक। यानी कि सेमीकंडक्टर। वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित की जा सके उसे चालक कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सके उसे अचालक कहते हैं। अर्धचालक वैसा पदार्थ जिसमें चालक तथा अचालक दोनों का गुण विद्यमान रहता है उसे हम अर्धचालक कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब ये पदार्थ जो होते हैं शुद्ध होते हैं तथा कम तापमान होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये अचालक के रूप में कार्य करते हैं, तथा जैसे इसमें कुछ अशुद्धि मिला दी जाती है और इसका तापमान बढ़ता है तो फिर ये चालक का कार्य करने लगते हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है अर्धचालक, क्योंकि चालक और अचालक दोनों के कार्य करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अच्छे चालक के गुणधर्म, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर इसको हम लोग रट्टा मारने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा अच्छा चालक होता है उसके कौन कौन से गुण होने चाहिए तो याद कभी नहीं होगा। इसको समझना पड़ेगा कि क्या होता है, जो हमारा चालक होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए उसको समझना पड़ेगा कि क्या क्या होना चाहिए। फिर कल्पना कीजिए कि एक जो चालक है या फिर जो भी हमारा कंडक्टर होता है उसमें कौन कौन से गुण हों तो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकता है। तो सबसे जो पहला गुण है वो होता है आपका कि ये सस्ता होना चाहिए, दूसरा आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपलब्धता होनी चाहिए इसकी। उसके बाद तन्य होना चाहिए, उसके बाद सुदृढ़ होना चाहिए यानी कि मजबूत होना चाहिए ताकि खींचने पर ये टूटे नहीं, उसके बाद आघातवर होना चाहिए ताकि इसको पीट करके चादरें बनाई जा सके, उसके बाद सोल्डरिंग करने में आसानी होनी चाहिए, सोल्डरिंग करने में
आसानी होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है कम से कम होना चाहिए, चालकता अधिक से अधिक होनी चाहिए, वातावरण का कम से कम प्रभाव हो, ये सारे गुण एक चालक में होने चाहिए। सस्ता, आसानी से उपलब्ध, तन मजबूत, आघात वर, सोल्डिंग करने में आसानी, विशिष्ट प्रतिरोध कम से कम, ताकि जो हमारा वोल्टेज और करंट जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कम लॉस हो, अधिक उसके बाद वातावरण का कम प्रभाव हो, क्योंकि वातावरण का अगर ज़्यादा प्रभाव होगा तो ज़्यादा इफेक्ट आएगा। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख चालक पदार्थ। प्रमुख चालक पदार्थ, प्रमुख चालक पदार्थ में पहला नाम आता है चांदी का। चांदी का इसलिए आता है पहला नाम क्योंकि इसकी जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो सबसे कम होती है। विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होती है, कितनी होती है, 164 माइक्रो ओम प्रति सीएम। तो चालकता सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि चांदी को विद्युत का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। चांदी का अधिक कीमत होने के कारण इसका उपयोग बहुत ही सीमित क्षेत्र में किया जाता है। इसका उपयोग किया जाता है फ्यूज बनाने में, रिले में तथा स्टार्टर्स में। इसके बाद आता है तांबा। तांबा जो है वो चांदी से सस्ता होता है तथा इसकी जो चालकता होती है वो 90% होती है, है ना, और विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो भी आपका 170 माइक्रो ओम प्रति सीएम होता है। अब सस्ता जो होता है चांदी से तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है, जैसे कि इसका उपयोग तार में किया जाता है, वाइंडिंग में किया जाता है, फ्यूज में किया जाता है, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिकल ऐसे सीरीज के कनेक्शन में किया जाता है, जो भी वैद्युतिक उपकरण है उनके निर्माण में भी तांबा का उपयोग किया जाता है। तार बनाने में, केबल बनाने में, बस बार में, इलेक्ट्रिक उपकरण में, वैद्युतिक सहायक सामग्री में इत्यादि। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है एल्यूमिनियम।
एल्यूमिनियम भी जो है कम विशिष्ट प्रतिरोध, तथा इसकी जो चालकता होती है वो 60% होती है। चालकता 60% होती है। इसका उपयोग भारत में अधिकता होने के कारण इसका उपयोग तांबा के स्थान पर किया जाने लगा है, तथा यह तांबा से सस्ता होता है। इसके बाद टंगस्टन होता है, जो उच्च गलनांक वाली तथा कठोर धातु है। इसका उपयोग हम लोग बल्ब के फिलामेंट तथा फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने में करते हैं, क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद आता है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है वो 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम से बना एक मटेरियल होता है, जो आपका उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु है। इसका उपयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए करते हैं। अब हम लोग देखते हैं अचालक पदार्थ के गुणधर्म। अचालक पदार्थ के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर, इसमें भी सेम वही करना है। एक कल्पना करना है कि जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें क्या क्या गुण पहले होने चाहिए। तो सबसे पहला गुण होना चाहिए सस्ता होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए, किसी भी आकार में ढलने योग्य होना चाहिए, वातावरण का प्रभाव कम से कम
होना चाहिए तथा विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अधिक से अधिक होनी चाहिए। यानी कि 10^12 ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर तथा अचालक का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं अचालक पदार्थ। यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल, अचालक पदार्थ में सबसे पहले आता है शुष्क हवा। शुष्क हवा क्या होता है कि जो हमारी एयर होती है जब वो सूखी होती है या फिर जब उसमें नमी नहीं होता है तब वह इंसुलेटिंग का काम करती है। अगर वायुमंडल में जो हवा है अगर वो कंडक्टर का काम करने लगे तो सारे के सारे पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं सारे के सारे मर जाएंगे। तो सबसे पहला जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है वो हमारा होता है हवा। उसके बाद होता है वल्केनाइज्ड रबर। इसका उपयोग किया जाता है तारों, इसका उपयोग तारों का इंसुलेटिंग के रूप में किया जाता है। इसके बाद होता है हमारा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग तारों के इंसुलेटिंग के रूप में किया जाता है वल्केनाइज्ड रबर का तथा पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड का। इसके बाद आता है आपका चौथा नंबर पे इनेमिल्ड, इसका भी उपयोग तारों के इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में किया जाता है लेकिन इस जो इनेमिल्ड वायर होता है उसका उपयोग हम लोग वाइंडिंग के रूप में करते हैं, वाइंडिंग वायर के रूप में। इसके बाद आता है अभ्रक, खनिज तेल, पोर्सिलेन, लेदराइज पेपर। शुष्क हवा हमारे वायुमंडल में विद्यमान है। प्लास्टिक का उपयोग हम लोग किसी भी हैंडल तथा उसके इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज करते हैं। रबर का भी उपयोग हम लोग टूल के हैंडल इत्यादि बनाने में करते हैं। पीवीसी का उपयोग तारों का इंसुलेटिंग मटेरियल, तारों के ऊपर कवर के लिए इसका यूज करते हैं। कागज का हम लोग वाइंडिंग वगैरह में यूज करते हैं उसको बांधने के लिए। माइका सीट जो है हमारा उसका उपयोग हम लोग बोर्ड वगैरह बनाने के लिए करते हैं। अभ्रक का उपयोग हम लोग हीटिंग एलिमेंट के आधार के रूप में करते हैं। आधार के रूप में खनिज तेल जो होता है इसका उपयोग हम लोग ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं। पोर्सेलिन का उपयोग हम लोग फ्यूज बनाने में, फ्यूज इंसुलेटर
इत्यादि में करते हैं। लेदराइज पेपर का उपयोग हम लोग वाइंडिंग में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में करते हैं। उसके बाद होता है पीवीसी पेपर। पीवीसी पेपर नहीं होगा, सीट होगा, पीवीसी सीट। इसका भी उपयोग हम लोग वाइंडिंग में इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अच्छे अर्धचालकों के गुणधर्म। गुड सेमीकंडक्टर ऑफ प्रॉपर्टीज। जो हमारे अर्धचालक होते हैं इनमें क्या होता है कि चालक के गुण तथा कुचालक के गुण दोनों विद्यमान होते हैं। तो इनकी जो गुणधर्म होगी वो ये होगी कि एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर ये इंसुलेटिंग मटेरियल का काम करेंगे तथा जैसे ही ताप को बढ़ाया जाएगा, जैसे ही ताप को इंक्रीज किया जाएगा, ये कंडक्टर का काम करना शुरू कर देंगे, यानी कि ये इंसुलेटर से कंडक्टर हो जाएंगे। तथा दूसरा इनका गुणधर्म ये होता है कि जैसे ही इसमें कुछ अशुद्धि मिलाई जाती है तो इनकी जो चालकता है वो कई गुना बढ़ जाती है, है ना। इनकी जो चालकता है, कोई अशुद्धि अगर इसमें मिला दी जाए तो इनकी जो चालकता होती है वो कई गुना बढ़ जाती है अशुद्धि मिला देने से। अशुद्धि के कारण कई गुना इनकी चालकता बढ़ जाती है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब इनका ताप बढ़ता है तो ये इंसुलेटिंग से कंडक्टर बन जाते हैं, जबकि जो हमारा कंडक्टर होता है उसको ताप बढ़ाने से वो उसका ताप बढ़ा देने से उसमें रेजिस्टेंस अधिक हो जाती है। रेजिस्टेंस की मात्रा जो होती है वो अधिक हो जाती है। इसके बाद वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।